हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल इम्प्रूव योर नॉलेज में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं झटपट चिकन रेसिपी लेकर आई हूँ। इसे बनाना कितना आसान है, आप वीडियो को लास्ट तक देखिए, आपके भी घर में झटपट चिकन बनके तैयार हो जाएगा। सबसे पहले हमने गैस पे एक कुकर रख लिया है, कुकर को हमने गर्म कर लिया है। अब उसमें हम डालेंगे तेल। तो यहाँ पे हम सरसों का तेल यूज कर रहे हैं। हमें एक किलो चिकन बनाना है तो हम ये दाल वाली करछी से चार करछी तेल डालेंगे, यही मेजर सही होता है चिकन के लिए। तो आपने देख लिया, हमने यहाँ पे चार करछी तेल डाल दिया है। गैस पे हम इसे अच्छे से गर्म करेंगे, यानी इसमें से स्मोकिंग जैसा फ्लेवर आना चाहिए, उतना हमें गर्म करना है। तो आप देख सकते हैं अपने तेल से हल्का हल्का धुआं जैसा आने लगा है। राई का तेल हो तो उसे अच्छे से गर्म करना बहुत ही जरूरी होता है। इससे क्या होता है, उसका कड़वा दूर हो जाता है और ये बड़ा सुंदर टेस्ट देता है। तेल अपना अच्छे से गर्म हो चुका है, अब हम इसमें डालेंगे खड़ी इलायची, यानी कि हमने चार खड़ी इलायची लिया है बड़ी वाली, जिसे हमने तोड़ रखा है, उसका मुंह खुल चुका है। दो हम दालचीनी स्टिक लिए हैं, 6 से 7 तेज पत्ती लिए हैं, 10-12 लौंग, 12-15 अपनी काली मिर्च है। इससे चिकन बहुत ही टेस्टी बनता है। तो अब हम इसे गरम तेल में डालेंगे। ध्यान रहे इस टाइम हमने फ्लेम स्लो कर दिया है, नहीं तो अपना फोरन जलने लगता है। लास्ट में इसमें हम 2 चम्मच जीरा डालेंगे, ये साबुत जीरा है। चिकन में जीरा पड़े तो बहुत ही सुंदर टेस्ट आता है। तभी फोरन से चटकने की आवाज आने लगी है। अब हम इसमें डालेंगे अपना कटा हुआ प्याज। तो यहाँ पे हमने 8 प्याज को काट लिया है। अब हम इस प्याज को चलाते हुए करीबन 7 से 8 मिनट तक भूनेंगे। ध्यान रहे इस बीच हमें फ्लेम स्लो करना है, फास्ट करना है, लेकिन जब तक अपनी प्याज सॉफ्ट न हो जाए तब तक हमें इसे भूनना है। आप देख सकते हैं अपनी प्याज जो है सॉफ्ट हो चुकी है। इस स्टेज पे हम डालेंगे जिंजर गार्लिक का पेस्ट। तो यहाँ पे हम भर भर के 4 चम्मच जिंजर गार्लिक का पेस्ट डालेंगे। 1 पाव के लिए 1 चम्मच इनफ होता है। तो हम 1 किलो बना रहे हैं तो 4 चम्मच यूज कर रहे हैं। अब हम प्याज के साथ इसे भी 5 मिनट तक अच्छे से भूनेंगे। बहुत अच्छी खुशबू आनी चाहिए प्याज लहसुन अदरक से, तब तक हम भूनेंगे। आप देख सकते हैं अपना प्याज लहसुन अदरक अच्छे से भून चुका है। अब हम इसमें कुछ पाउडर स्पाइसेस ऐड करेंगे। यहाँ पे हम 2 चम्मच हल्दी डालेंगे, 4 चम्मच धनिया पाउडर और ये कलर वाली मिर्च है तो हम 6 चम्मच लाल मिर्च पाउडर डाल रहे हैं। आप अपने तीखा के अनुसार एडजस्ट कर लीजिए। अब हम मसाला को भी 3 से 4 मिनट तक चलाते हुए प्याज के साथ भून लेंगे। इतनी बढ़िया अपनी ग्रेवी तैयार हो रही है, आप देख लीजिए चिकन के लिए। तो आप देख सकते हैं हमने प्याज के साथ अपना मसाला भून लिया है, तेल छोड़ दिया है। इस स्टेज पे हम डालेंगे चिकन। तो यहाँ पे हमने 1 किलो चिकन लिया है जिसे हमने धो लिया है। अब हम इसे अपने मसाला में डाल देंगे। संडे स्पेशल चिकन बहुत ही टेस्टी बनता है। अब हम चिकन को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हमें मसाले के साथ 5 मिनट तक भूनना है चिकन को, बाद में हम इसका लीड लगा लेंगे। चिकन को हमने 5 मिनट तक भून लिया है। अब हम इसमें स्वाद के अनुसार नमक डालेंगे। नमक को भी हम अच्छे से चला लेंगे। अब अपनी चिकन पानी छोड़ेगी, उसी के साथ हम लीड लगा के इसे 10 मिनट तक पकाएंगे। 10 मिनट तक अपने चिकन को भूना है नमक डालने के बाद। तो आप देख सकते हैं कितना लिक्विडी जैसा अपना चिकन हो गया है। इस स्टेज पे हम लीड लगाने जा रहे हैं। तो चलिए हम इसका ढक्कन लगा लेते हैं।
स्लो फ्लेम पे हमने एक विसिल आने तक चिकन पका लिया है। अब हम लीड को खोल के आपको दिखाते हैं। आप देख सकते हैं कितनी बढ़िया अपनी चिकन में तेल तैर रही है, ये अच्छे से पक चुकी है। तो चलिए हम एक बार आपको मिक्स करके दिखा दे रहे हैं। आप देख सकते हैं हमने अलग से पानी नहीं डाला था, अपनी प्याज गल के चिकन के पानी के साथ कितने अच्छे से यानी कि पक चुकी है अपनी चिकन, बिल्कुल पक चुकी है। हमें इसे कुछ नहीं करना है, अब सर्व करके एंजॉय करना है। तो चलिए हम गैस को ऑफ कर लेते हैं और 10 मिनट बाद सर्व करके आपको दिखाते हैं। चलिए चिकन की प्लेटिंग कर लेते हैं। तो हम आपको चिकन दिखा दे रहे हैं, देखिए कितनी बढ़िया अपनी संडे स्पेशल चिकन बनके तैयार हुई है। तो फ्रेंड्स आपने देख लिया संडे स्पेशल झटपट चिकन बनके कैसे तैयार हो गया, खाने में तो ये बहुत ही लजीज लगता है। तो आप भी बनाइए और मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद।